खबर सितारगंज से। विधायक सौरभ बहुगुड़ा ने घर घर जाकर किया जनसंपर्क। आपको बताते कि विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। सितारगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी सौरभ बहुगुड़ा ने सितारगंज चिंता मजरी इस्लाम नगर बाईपास कॉलोनी शक्ति फार्म समेत कई क्षेत्रों में घर घर जाकर अपने लिए वोट की अपील की। सौरभ बहुगुड़ा ने कहा कि अपनी विधानसभा की जनता का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी से उन्हें कोई चुनौती नहीं है। सितारगंज विधानसभा की जनता उन्हें भारी मतों से चुनाव जिताना चाहती है। विधायक सौरभ बहुगुड़ा ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम कहा है। विधायक सौरभ बहुगुड़ा ने कहा कि हर क्षेत्र में उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के स्टार प्रचारकों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा के प्रचंड बहुमत की सरकार बनना निश्चित है। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लेके लोगों में जोश है, उत्साह है, और 2022 में मुझे पूरा विश्वास है 14 फरवरी को जब लोग वोट करने जाएंगे तो वो वोट देश हित के लिए होगी, वो वोट माननीय मोदी जी के नाम पर होगी, वो वोट विकास के नाम पर होगी, और अपने भाई और बेटे सौरभ बहुगुड़ा को पूरा समर्थन सितारगंज विधानसभा से मिलेगा। एक ही मुद्दा लेके हमेशा जाते हैं, वो मुद्दा विकास का है, चाहे वो 12 का चुनाव लड़े हों, 17 का लड़े हों और 22 का लड़े हैं। हमारा और जनता का रिश्ता जो है वो पारिवारिक जनता रिश्ता है, यहाँ की जनता के साथ हमने कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाया पिछले 10 साल में, और एक ही वादे पर हर बार चुनाव लड़े हैं कि हमने विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। अच्छा, बीते दो देखिए, बसपा पहले भी चुनाव में थी, 2017 में भी जब मैं चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो बसपा से लड़े थे, और आम आदमी पार्टी को मैं नहीं मानता कि कहीं भी कोई लड़ाई में है, वो कांग्रेस की एक बी टीम बन के उनको उतारा गया है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट डैमेज करने के लिए, तो मुझे आम आदमी पार्टी का कोई इस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन बसपा के जो प्रत्याशी थे वही आज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और 2017 के चुनाव में बसपा के प्रत्याशी की और जो आज कांग्रेस प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त हुई थी सितारगंज से। तो जीत के प्रति बस मैं आश्वस्त हूँ, और सिर्फ इसलिए आश्वस्त नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, हमारे पास हमसे बड़ा संगठन किसी के पास नहीं है, हमसे ज़्यादा कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास नहीं है, बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं लगातार, पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के सुख दुख से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमने क्षेत्रीय जनता के साथ विकास के वादे किए थे वो हमने 99.9% पूरे करके दिखाए हैं, तो जनता के अंदर विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की और सौरभ बहुगुणा जी को सितारगंज से जिता के भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनानी है।